हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 1 जून, नया महीना नया दिन। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज 1 पे आपने देखा होगा, उसमें लिखा है कि इंडिया का जीडीपी जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बस 7.3% इन 2020-21 क्वार्टर्स की बात करी गई है। उसमें ये भी दिया हुआ है कि दो सेक्टर्स जिसने ग्रो किया है ऐसे टाइम पे भी, वो थे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग, दैट इज फर्स्ट सेक्टर। और जो सेकेंड सेक्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, इन्होंने भी ग्रो किया है। और जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड पे, वो पड़ा है ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पे। इनको सबसे ज्यादा जो डिक्लाइन देखा गया है इनमें देखा गया है, एंड इट इज फॉलोड बाय द कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड क्वारिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए थोड़ा सा ना ये फैक्ट्स होते हैं, इनको आपको एज इट इज ही याद रखना होगा। क्या क्वेश्चंस आते हैं ऐसे आर्टिकल्स पे, एक तो दे कैन आस्क यू जीवीए, दे कैन आस्क यू अबाउट एनएसओ, दे कैन आस्क यू अबाउट जीडीपी, दे कैन आस्क यू अबाउट डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए। तो इसके लिए इफ यू कैन लिसन, प्लीज लिसन टू 8th जनवरी एनालिसिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज जीवीए, वी हैव डिस्कस्ड आईएपी, एनएसओ, वी हैव डिस्कस्ड जीडीपी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एंड जीवीए। आप इसको सुनिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट। और ये जो ऊपर वाली चीज है, ये मेन्स वगैरह में कुछ नहीं लिखा जाता, ना इसका आता है, ना इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है। बस थोड़ा सा याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब ग्रोथ नेगेटिव थी तब भी दो सेक्टर्स जिन्होंने ग्रो किया, और सबसे ज्यादा अगर नेगेटिव थी तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ा, ये पॉइंट निकलता है इसमें से, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, एक अगर आपके पास देखिए कोर्ट एक्टिविज्म, सुप्रीम कोर्ट के एक्टिविस्ट रूलिंग्स, देखिए हम क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, जैसे हमने क्रिटिसाइज किया कि तरुण तेजपाल के केस में सुप्रीम कोर्ट को। अब हमने उसके हिसाब से आपको मैंने बताई भी थी कि इन लेक्चर्स को सुनिएगा, जिसमें हमने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वेमेंस को लेके, जो सेक्सुअल हेरासमेंट को लेके, जो बड़ा बहुत अजीब अजीबो गरीब, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जो रूलिंग्स आई हैं, वैसे ही कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। देखिए हम जो जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पढ़ते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिकली रिलेट करते हैं जुडिशियल रिव्यू से, जब वो लॉ को या किसी एक्ट को वो करते हैं। बट आप अगर जुडिशियल एक्टिविज्म को, ये नहीं है सब लॉ और एक्ट से ही जोड़ना होगा या कॉन्स्टिट्यूशनल उससे जोड़ना होगा, आप डेली टू डेली के एक्टिविज्म को भी जोड़ सकते हैं कि क्या पॉलिसीज को लेके कोर्ट्स ने कैसे इंस्ट्रक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कैसे काम किया जाए। जैसे कोर्ट ने चैलेंज किया, ये एक फॉर्डर्स होते हैं, आपको मैंने बताया था कि डेली डेली कुछ कुछ निकलते हैं, आपको फिर ये याद रहे जितने भी पॉइंट्स आपको अपने मेंस के पेपर में लिखने हैं। ठीक है, जैसे इसमें है कि कोर्ट ने चैलेंज किया जो ये डिफरेंशियल जो वैक्सीन प्राइसिंग पॉलिसी चल रही है, मतलब स्टेट को अलग रेट पे मिल रही है, सेंटर को अलग रेट पे मिल रही है, फिर सेंटर कह रहा है 50% मैं एक्वायर करूंगा, 50% तुम प्रोक्योर करो, ये सब जो चीजें हैं ना, ये एक गलत इंप्रेशन क्रिएट करती है सिटीजन्स के दिमाग माइंड में, और वी एक्सपेक्ट कि हमारे जो कोर्ट्स हैं वो कुछ गाइड करें इन चीजों में। तो उन्होंने गाइड किया, उन्होंने कहा कि जो डिफरेंशियल वैक्सीन प्राइसिंग पॉलिसी है ये गलत है, इट हैज टू बी वन प्राइस फॉर वैक्सीन अक्रॉस द नेशन। तो ये जो कोर्ट का एक्टिविज्म फॉर्डर है ये, इसको याद रखा करिए, ऐसे ऐसे पॉइंट्स नोट किया करिए। एक वेस्ट बंगाल का चीफ सेक्रेटरी ने भाई साहब रिजाइन कर दिया, सबको पता था कि वो रिजाइन कर देंगे, वीआरएस लेंगे, जो भी लेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें पॉलिटिक्स हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देखिए आपको पता होगा मीडिया मीडिया हो चाहे इंसान हो, आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलोगे, गवर्नमेंट इन पावर, जो भी पावर में होता है किस पार्टी के, उस पार्टी से रिलेटेड भी कुछ बोल दोगे, आजकल गवर्नमेंट के पास बड़ा अच्छी चीज़ है, आज से नहीं ब्रिटिशर्स के ज़माने से जब गोरे राज करते थे हमारे ऊपर, वो भी एक सेडिशन लॉ है, 124A है, 153 है, 505 है, ये जब देखो लगा देते हैं। आजकल क्या चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया कम्युनिकेट कर देता है न्यूज़, जिसमें थोड़ी सी वो बुराई कर देते हैं गवर्नमेंट इन पावर की, कि ये थोड़ा सा ठीक नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आजकल जो कोविड को लेके कि हाँ इन्होंने सिचुएशन ठीक कंट्रोल नहीं करी है, क्या करती स्टेट गवर्नमेंट्स भी हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो, उनके ऊपर सेडिशन प्रोसीडिंग्स शुरू कर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फटकारा है, उन्होंने कहा है कि यार इसके तो इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि एक राइट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी, प्रिंट मीडिया का भी, तो वो उनका राइट है कि कम्युनिकेट करना, न्यूज़ एक्चुअल चीज़ें दिखाना, इन्फॉर्मेशन देना राइट्स है उनके। अब उसमें अगर आप ये करोगे कि भैया जब देखो तुम उनके ऊपर सेडिशन लॉ लगा दो, इसको एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो अगर सेडिशन लॉ के बारे में आपने जानना है तो आप प्लीज़ सुनिए 23rd फरवरी, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सेडिशन लॉ के बारे में कहा है, फ्री स्पीच के बारे में कहा है, तो यू शुड एनालाइज 5th मार्च एनालिसिस का सुनिएगा, बहुत अच्छा तरह दिया हुआ है। उसके बाद एक पेज 1 पे लक्षद्वीप का था, हमें 20 मई के एनालिसिस में देख चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या होता है, फर्क क्या होता है, लक्षद्वीप का थोड़ा आइलैंड देखा था, 27 मई को हमने देखा था क्या मतलब नए लॉस क्या लेके आ रही है, 28 मई में इसके डिफेंस में कलेक्टर ने वहाँ के क्या कहा है, ये 3 लेक्चर सुन लीजिएगा प्लीज़।
एक एडिटोरियल बताओ, व्हाट्सएप मूव हाई कोर्ट अगेंस्ट आईटी रूल्स, और वो 27th में एनालिसिस में सुन सकते हैं आप क्या व्हाट्सएप का स्टैंड है, क्या गवर्नमेंट का स्टैंड है, आईटी रूल्स क्या है बेसिकली, वो 27th में एनालिसिस में ही पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन से लेक्चर्स आपने आईटी रूल्स के लिए सुनने हैं। दो ही लेक्चर है, दो दो तीन तीन मिनट लगेंगे आपको, एक एडिटोरियल पढ़ने लगेंगे, एक आपका 15-20 मिनट जाएगा, आप सिर्फ और सिर्फ ये सुनिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा 27th में एनालिसिस। और 27th में हमने दो एनालिसिस बता रखे हैं, वो दो सुनिए आईटी रूल्स के लिए, वो सुनिए आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। एक एडिटोरियल था इलेक्टेड ऑटोक्रेट्स के बारे में, तीन भारतीयों की तारीफें करी गई थी, मोदी जी, बोल्सोनारो और ट्रंप की। देखिए अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, वो भाई साहब प्रोफेसर हैं, वो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, ना वो यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका कुछ नहीं जाता, वो लिखेंगे और चले जाएंगे। अगर आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, और आपने कल आज रात को जाना है कांग्रेस की तरफ से डिबेट में बोलने, तो आप पढ़िएगा। अगर आपने यूपीएससी देने जाना है तो ऐसे एडिटोरियल्स को इग्नोर करिए। उसके बाद एक प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के बारे में था, ये देखिएगा, बाकी वो पूरा आर्टिकल देखने वाला है, वैसे बहुत अच्छा दिया हुआ है, पर आपने जो नोट करना है वो याद रखिएगा। पीयूए एक्ट क्या होता है? इट वॉज एनएक्टेड टू एड्रेस जो एट्रोसिटीज या जो जुल्म होंगे अगेंस्ट पर्सन फ्रॉम एससी एंड एसटी कम्युनिटीज, ठीक है। इसको 2015 में अमेंड किया गया था, उसमें कहा गया था कि अगर कोई भी दलित या आदिवासी वुमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हेरेसमेंट या देवदासी डेडिकेशन कुछ भी किया गया, तो वो इसमें इस एक्ट को लगा दिया जाएगा। और उसका सेशन 3 सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज V क्या कहता है? 5 कहता है कि कोई भी पर्सन जो SC ST मेंबर कम्युनिटी का नहीं है, और अगर वो कोई भी ऐसा जुल्म करता है अगेंस्ट SC ST कम्युनिटीज, जो IPC इंडियन पिनल कोड के तहत 10 साल की इम्प्रिजनमेंट या उससे ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट पनिशेबल है, जिसमें उस पर्सन को फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा, ठीक है। नहीं समझे, समझाता हूँ दोबारा। सेशन 3 सब क्लॉज 2 क्या कहता है इसका, कि कोई पर्सन जो SC ST मेंबर नहीं है और उसने कोई ऐसा काम करा अगेंस्ट SC ST कम्युनिटी जिसमें इंडियन पिनल कोड के तहत उसको सजा होगी 10 साल या 10 साल से ज़्यादा, तो अब पीओए एक्ट में उसको क्या होगा, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी और विद फाइन, ठीक है। उस पर एक एडिटोरियल पे इसराइल और फलस्तीन का था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टोटल इशू इसराइल और फलस्तीन का, क्या 12th में एनालिसिस, इंडिया करंट इशू पे क्या कह रहा है वो 18th में, इंडिया का स्टैंड क्या रहा है पास्ट में वो 21st में, ये सुनिए जो नए आए हैं। पेज 8 पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो नेशनल प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्ता है वो भी वाइटल है, लेटेस्ट रूलिंग आई है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कर दी थी, फिर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करा, उन्होंने जो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है आपको पता है कि वो सब वो कह रहे हैं कि पेंडेमिक के टाइम पे इतना खर्चा हो रहा है, फिर ये खर्चा करने की क्या जरूरत है। गवर्नमेंट कहती है भैया आपको पता है 2026 से जो डेवलपमेंट कमीशन है वो खत्म हो जाएगी, जरूरत है, और भी कुछ पॉइंट्स हैं हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधा सी रूलिंग आई है, ये वाइटल है और असेंशियल है, इसको होना जरूरी है, ठीक है। एक पेज 9 पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में था, इनके नए चेयरपर्सन सब कुछ बने हैं, तो याद रखिएगा NHRC में आपने क्या देखना है जब आप बेसिक्स पॉलिटी बुक पढ़ेंगे। तो एक तो ये स्टैचुटरी बॉडी है, कई बार पूछ लिया जाता है ये क्या क्वेश्चन आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, स्टैचुटरी बॉडी है, क्या बॉडी है, तो स्टैचुटरी बॉडी है, किस एक्ट के अंडर बनी थी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंडर बनी थी, याद रखिएगा। इसके जो चेयरपर्सन या मेंबर्स हैं, जो चेयरपर्सन होता है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है या कोई भी जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। सिलेक्शन कमेटी जो है वो नाम रिकमेंड करती है, और सिलेक्शन मतलब जो अपॉइंटमेंट होती है वो इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पीएम होता है, स्पीकर होता है, यूनियन होम मिनिस्टर होता है, डेप्यूटी चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है राज्यसभा का, और लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये इंपॉर्टेंट होती है, तीन चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बाकी आप बेसिक्स में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ही, इनके क्या फंक्शन हैं, क्या सब कुछ है, कैसे इनको रिटायरमेंट होती है, कितने टाइम तक इनकी रिटायरमेंट रहती है, क्या वजह रहती है इनको हटाने की, इम्पीचमेंट की, तो उतना ही पढ़िएगा बस। और रिमूवल, सॉरी रिमूवल की बात हो रही है, इम्पीचमेंट प्रेजिडेंट की होती है, रिमूवल। और उसके बाद पेज 11 पे था, चाइना ने अलाउ करा है कपल्स को टू हैव थर्ड चाइल्ड। पहले आपको पता है 5 साल पहले ये ले आए थे, एक तो वन चाइल्ड पॉलिसी चल रही थी पहले इनकी, फिर 5 साल से ये लेके आ गए थे 2 चाइल्ड कर सकते हो, अब उनको दिखा है कि यार ये से तो काम खराब हो रहा है, तो अब उन्होंने थर्ड चाइल्ड की भी परमिशन दे दी है, ठीक है। थोड़ी सी सिचुएशन वहाँ थोड़ी ग्रिम है, तो इस वजह से उन्होंने दे दी है। और बेसिकली क्या है, 15 to 59 एज ग्रुप जो होता है वो बेसिक एक क्राइटेरिया होता है, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन को ही देखा जाता है, तो उनकी जो वर्किंग पॉपुलेशन 15 to 59 एज ग्रुप है उसके 90 करोड़, 89.5, 89.4 करोड़ हैं बेसिकली देखा जाए तो, 90 करोड़ आप कह सकते हैं, अराउंड 90 करोड़
तो वो 2010 के जो उनका पॉपुलेशन सेंसस हुआ था उससे 6.79% डाउन है। तो उनको लग रहा है कि ये गलत हो जाएगा, कल को अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन नहीं रही, सब बूढ़े हो गए तो जापान वाले हालात हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने थर्ड चाइल्ड भी परमिट कर दिया है। एक पेज 11 पे तो ऑपरेशन डेन हैमर, ये ऑपरेशन डेन हैमर बेसिकली क्या हुआ था कि डेनिश डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विस और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ ये अमेरिका, इन्होंने बेसिकली ये जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज थी काफ़ी ज़्यादा उनके सीनियर ऑफिशियल्स पॉलिटिशियंस के फोन टैप्स और ये सब किया था, उनको स्पाई किया था बेसिकली। तो ऑपरेशन डेन हैमर आपसे पूछा जा सकता है, तो प्रीलिम्स में ये पूछा सकता है ऑपरेशन डेन हैमर क्या था। तो यूएस ने बेसिकली स्पाई किया था विद द हेल्प ऑफ डेनिश इंटेलिजेंस पॉलिटिशियंस, टॉप पॉलिटिशियंस यूरोप के, जिसमें जर्मन के चांसलर जो है एंजेला मर्कल वो भी है शामिल। उसका पेज 12 पे था कोर सेक्टर्स आईपी, ये सब आपको बेसिक्स देखने हैं, इनको डेली टू डेली फ्लक्चुएशन मत देखा करिए। वो 4 जनवरी का एनालिसिस सुनिए, इट विल आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे कोर सेक्टर्स आईपी इन सबको लेके। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।